देशेर महान स्वाधीनता संग्रामेर नायक आजाद हिंद बाहिनीर प्रतिष्ठाता नेताजीर वीरत्वेर गल्प शुने तार प्रति श्रद्धा जानाते अखंड भारतेर स्लोगान के सामने रेखे मणिपुरेर मोइरांग थेके नतून दिल्लीर जातीय युद्धस्मृति संग्रहशाला पर्यन्त साइकेल यात्रा शुरू करेछे 10 बछरेर बालक क्लास सिक्स छात्र दिल्ली बासिंदा आरव भारद्वाज और एक खुदे नेताजी भक्त के 2600 किलोमीटर साइकेल यात्रा संग दीते ही पाशे अपर एक साइकेल यात्रा करछेन तार पिता दिल्लीर एक बड़ बेसरकारी हासपातालेर नामकरा स्पाइन चिकित्सक অতুল এম ভারদ্বাজ সোমবার আসাম থেকে পশ্চিমবঙ্গের বারোবিশা দিয়ে তাদের এই যাত্রা শুরু হয় আরব যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে তখন থেকে তার ঠাকুরদা মিত্রসেন ভারদ্বাজ তাকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গল্প শোনাত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে লেখা বই তাকে পড়তে দিতেন ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনেও বই পড়ে নেতাজির প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা জন্মায় আরবের তখন থেকেই নেতাজিকে নিয়ে কিছু একটা করার চিন্তা মাথায় আসে তার তার চিন্তায় যোগ্য সঙ্গত দেয় পরিবারের সবাই এরপর এবছর নেতাজির 125তম জন্মজয়ন্তী ও দেশের স্বাধীনতার 75তম বর্ষ হিসেবে দেশ জুড়ে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালনের আয়োজন দেখে আরব সিদ্ধান্ত নেয় সে মণিপুরের মোইরাং যেখানে 1946 সালে 14 এপ্রিল নেতাজি ইংরেজ সরকারের ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে তিরঙ্গা উঠিয়েছিলেন সেখান থেকেই নতুন দিল্লির জাতীয় যুদ্ধের স্মৃতি সংগ্রহশালা পর্যন্ত সে সাইকেল যাত্রা করবে নেতাজির আদর্শ চিন্তাধারা ও দেশের অখণ্ডতাকে তুলে ধরবে দেশবাসীর সামনে সে চিন্তা করে এই বছরের 14 এপ্রিল তার এই যাত্রা শুরু হয় আরব তার লক্ষ্য দেশ সেবা এবং তার এই স্বপ্নকে সযত্নে সমর্থন করেছে তার পুরো পরিবার এই সফরে তার সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমরা ডিজিটাল বাংলা ডেল্টা সাকুরা রাইড দ্য ফিউচার নাও জাপানিজ টেকনোলজি ই বাইক পাচ্ছেন 5 বছরের ওয়ারেন্টি 1 মিনিটে ব্যাটারি সোপিং ফেসিলিটি ব্যাটারির উপর 5 বছরের ওয়ারেন্টি খুব সহজ এক্সচেঞ্জ এবং ইএমআই সুবিধা টায়ারের উপর পাচ্ছেন 5 বছরের ওয়ারেন্টি 5 বছর পর্যন্ত নিশ্চিত এক্সচেঞ্জের সুবিধা এককালীন ফ্রি টায়ার রিপ্লেসমেন্ট 24,000 পর্যন্ত রেফারেল বোনাস 60 থেকে 80 কিমি রেঞ্জ নো লাইসেন্স নো রেজিস্ট্রেশন নো রোড ট্যাক্স 5 বছরে 2.5 লাখ সঞ্চয় আজই আসুন ডেল্টা সাকুরা রাইড দ্য ফিউচার নাও এম এস রিয়া অটোমেটিভ এম এইচ রোড কোচবিহার ওয়ার্ড নম্বর 4 কন্ট্যাক্ট 0358222284 নেতাজির প্রতি অখণ্ড শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় এই 10 বছরের বালক ক্লাস 6 এর ছাত্র দিল্লির বাসিন্দা আরব ভারদ্বাজ কি জানাচ্ছে শুনব मैं आईएनए मेमोरियल मोइरांग मणिपुर में से मैंने अपनी यात्रा शुरू की है और हम इस यात्रा को नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में ख़त्म करेंगे तो अचानक तुम्हारे दिल में ये यात्रा कैसे आ गया ये यात्रा मेरे दिल में अचानक से नहीं आई पहले मेरे दादाजी ने मुझे कुछ किताबें ला के दी फ्रीडम फाइटर्स की और फिर उनमें से एक नेताजी की किताब थी मैंने पढ़ी और फिर मैंने अपने दादाजी से उनकी कहानियाँ भी सुनी नेताजी की और फिर मैंने ये देखा गूगल पे कि मोइरांग में नेताजी ने अंग्रेज़ों से लड़ाई करके मोइरांग में अच्छा ये नेताजी के लिए तुम्हारा दिल में ये कब से जगा तब तुम कौन सी क्लास में पढ़ते थे जब मैं क्लास 2 में था क्लास 2 में तो तब से नेताजी से लगाव है तो अभी देखो तुम्हारा उम्र का बच्चा सब लोग तो वीडियो गेम में पड़ा रहता है दिन भर वीडियो गेम खेलता है और अभी 2 साल लॉकडाउन में स्कूल वगैरह बंद था तब सब ऑनलाइन पढ़ाई किए मोबाइल में एडिक्ट हो गए और तुम हो के नेताजी के लिए अपने मोइरांग से इतना 2600 किलोमीटर के साइकिल यात्रा पे जा रहे हो तुम्हारा दोस्त लोगों से बात हुआ इस बारे में वो लोग क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि खुद भी अभी अभी स्कूल खुल चुके हैं तभी अब हमको गेम छोड़ देने चाहिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए तो इस यात्रा से तुमको क्या सीख मिल रहा है इतना तक तो तुम आए अभी लगभग 1000 किलोमीटर तक लगभग ऐसे आप क्रॉस कर लिया है
क्या सीख मिला इस यात्रा से? 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी जैसे इंडिया एक है, वैसे ही मणिपुर से मुंबई इंडिया एक है। नहीं, गाड़ी देख लीजिए। ये छोट विस्मयकर बालकर पिता की जाना सुनब। मुझे इसकी बात पर बहुत गर्व है कि इसने हमसे कहानियां जो सुनी उनको इसने अपने दिमाग में रख के उसके बाद नेताजी की तरफ इसका झुकाव बढ़ता चला गया और आज इसने नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर और नेताजी ने जहां पहले झंडा फहराया था 1944 में 14 अप्रैल को, उसी दिन से इसने यात्रा शुरू की है। और ये नेताजी के जो डिजिटल स्टैचू होलोग्राम स्टैचू जो अभी इंस्टॉल हुआ है 23 जनवरी को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है, ये वहाँ तक यात्रा करेगा। मुझे इसके इस कदम के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो जैसे देखिए आपका जो विचार है, ये इतनी छोटी उम्र में नेताजी के लिए इनका प्रेम और देशभक्ति जो है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि देश के और भी बच्चे इसको देख के उनमें भी देशभक्ति फैले, उनको भी पता लगे कि हमारा देश कहाँ है, कैसे हमें आज़ादी मिली और क्या क्या कंट्रीब्यूशन हमारे वार हीरोज़ का रहा है। तो मतलब देशभक्ति सब में होना चाहिए, देश हर बच्चे में जो इस देश में पैदा हुआ है, जो इस देश का नागरिक है, हर आदमी में देशभक्ति होनी चाहिए। सबसे पहले देश होना चाहिए, शुड बी फर्स्ट। उसके बाद में जो हम लोग आगे जो भी हैं वो हमारी आइडेंटिटी बाद में है, पहले हमारा देश पहले।